dry indehiscent single seeded fruit formed from bicarpellaries in carpus inferior ovary is. ये क्वेश्चन APMT में 2008 में पूछा गया और इसमें पूछा है कि ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसमें जिसका फॉर्मेशन होता है ड्राई इंडेसेंट सिंगल सीडेड फ्रूट से और इसमें प्रेजेंट होते हैं बाइकार्पलरी सिनकार्पस और इन्फीरियर ओवेली. तो बाइकार्पलरी का मतलब होता है बाइकार्पलरी का मतलब है यहाँ पर टू कार्पल्स का प्रेजेंट होना द प्रेजेंस ऑफ टू कार्पल्स. सिनकार्पस का मतलब है द मीनिंग ऑफ सिनकार्पस इज द अटैचमेंट ऑफ कार्पल्स मीन्स दोनों कार्पल्स क्या होंगे एक दूसरे से अटैच होंगे. ठीक है तो कार्पल्स क्या होंगे एक दूसरे से अटैच होंगे या एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे. दूसरी चीज इसके बाद में क्या है कि ओवरी इनकी होगी इन्फीरियर. इन्फीरियर ओवरी का मतलब होता है कि ओवरी जो है ऑलवेज लोअर साइड में प्रेजेंट होगी और इसके जो एसेसरी होल्स एंड जो इम्पोर्टेंट होल्स होते हैं वो सारे इसके ऊपर प्रेजेंट होंगे लाइक स्टैमन्स स्टिग्मा एंड कैलेक्स कोरोला. तो ये सब ओवरी के ऊपर प्रेजेंट होंगे इसे हम कहते हैं इन्फीरियर टाइप ऑफ ओवरी. सो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है या इस टाइप के अरेंजमेंट से जिस फ्रूट का फॉर्मेशन होगा दैट फ्रूट इज नॉन एज सिप्सेला. बिकॉज सिप्सेला ही एक ऐसा फ्रूट है जिसमें इन्फीरियर ओवरी मिलती है सिनकार्पस कार्पल्स होते हैं और बाइकार्पलरी होती हैं. साथ ही साथ इसमें जो फ्रूट होता है वो सिंगल सीडेड होता है मीन्स यहाँ पर ओनली सिंगल सीड का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ ये जो फ्रूट होता है ड्राई और इनडेहिसेंट. ठीक है तो ड्राई इनडेहिसेंट का मतलब है जिसका डेहिसेंट नहीं हो. तो ये फ्रूट होता है ड्राई इनडेहिसेंट. साथ ही साथ सिप्सेला के अंदर सिप्सेला इज एनक्लोज विद द स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज नॉन एकिन. तो दीज स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन ओनली द फ्रूट इज सिप्सेला.